उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन शुरू हो गया है। नए सीएम के लिए श्रीनगर सीट से विधायक और निवर्तमान मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व सीएम और केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्री रहे सतपाल महाराज के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उत्तराखंड का सीएम कौन बनेगा ये कहना अभी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अपने पूर्ववर्ती हरीश रावत और भुवन चंद्र खंडूरी की तरह हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ऐसी चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें सीएम बनाए रख सकती है। रुझानों में स्थिति स्पष्ट होने के बाद धामी देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया और प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुझ पर भरोसा जताया। वहीं विजयवर्गीय की मौजूदगी में धामी ने नई सरकार का एजेंडा भी बताया था, जिससे इशारा मिलता है कि कम से कम वो तो सीएम बने रहने की उम्मीद लगाए बैठे। धामी ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। समान नागरिक संहिता लाने के संबंध में चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को दोहराते हुए धामी ने कहा कि नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था और हमारी नई सरकार इसे लागू करेगी। उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूं कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। आपको क्या लगता है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाएगी? क्या बीजेपी कोई सरप्राइज दे सकती है या फिर पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।